अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तलब है और निशान रिहैब के बिहाफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं और आज 10 अक्टूबर जो है और उसमें दुनिया भर में मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा होता है और ये डे मनाया जा रहा होता है उन उन हमारे साथियों के लिए, उन हमारे हमवतनों के लिए जो किसी भी मेंटल हेल्थ इशू रिलेटेड सफ़र कर रहे हैं। तो पहले तो ये जहन में रहे कि जब भी मेंटल हेल्थ जहन में आता है तो उसके डिफाइन ऐसे करते हैं कि एक मेंटली जो वेल बंदा होता है वो उसको अपने पोटेंशियल्स का पता होता है, उसको ये पता होता है कि वो कितना स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, उसे ये पता होता है वो कितना प्रोडक्टिव है, वो कितना फ्रूटफुल है और वो कितना कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर रहा है। अगर मेंटली स्टेबल बंदा प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल है, कम्युनिटी के लिए जोर दे रहा है, कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, तो वो मेंटली स्टेबल है। इस वक्त पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2,40,00,000, एक WHO का सर्वे है, 3 साल पहले आया था, उसको कोट कर रहा हूँ, उसके लिहाज से 2,40,00,000 लोग मेंटल हेल्थ इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। और उसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि पाकिस्तान में तकरीबन 5,26,000 मरीजों के लिए एक साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। हमारा फ़र्ज है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दें और आज के इस दिन में हम किसी एक मेंटली इल बंदे की हेल्प कर सकें, उस दिशा से सीधा रास्ता दिखा सकें। थैंक यू।